नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक, और साथ ही साथ आपको अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कुलदीप सेंगर के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया है। कुलदीप सेंगर समेत 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, उन्नाव रेप पीड़िता के चाचा पेरोल पर जेल से रिहा हो गए हैं। पीड़िता की चाची और मौसी के अंतिम संस्कार के लिए रिहा किया गया है उन्हें। आज रात करीब 12 बजे तक उन्हें पेरोल पर रिहा किया गया है। साथ ही बता दें कि उन्नाव रेप कांड की पीड़िता के साथ हुए सड़क हादसे की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। पीड़िता के चाचा ने जेल में ही उनसे मिलने गई डीएम नेहा शर्मा को सीबीआई की जांच के लिए तहरीर लिख कर दी थी, जिसे डीएम ने लखनऊ भेजा था। सोमवार देर रात को यूपी सरकार ने केंद्र सरकार से इस मामले को सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की थी। वहीं उन्नाव रेप कांड में चिट्ठी का खुलासा होने पर सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सक्रिय हो गए हैं। सीजेआई रंजन गोगोई ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से रिपोर्ट मांगी है। मीडिया में बलात्कार पीड़िता के घर वालों की सीजेआई के नाम लिखी चिट्ठी पर जस्टिस गोगोई ने रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि सीजेआई ने पूछा है कि ये चिट्ठी कब सुप्रीम कोर्ट आई, कैसे आई और उसमें क्या मांग की गई है। साथ ही रेप पीड़िता के सड़क हादसे का शिकार होने के मामले को जब तक सीबीआई टेक ओवर नहीं करती है, तब तक जांच के लिए रायबरेली के एडिशनल एसपी शशि शेखर के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई है। इसमें 3 सीओ गोपीनाथ सोनी, लक्ष्मीकांत गौतम और आरपी शाही हैं। ये घटना से जुड़े सभी बिंदुओं की जांच करेंगे। आपको बता दें कि आईजी लॉ एंड ऑर्डर प्रवीण कुमार ने यह जानकारी दी है। तो उन्नाव हादसे की अब पूरी जांच सीबीआई करेगी। केंद्र ने सीबीआई को जांच सौंपी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि योगी सरकार ने केंद्र से सिफारिश की थी, जिसके बाद अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी। कई बेशकीमती किताबें चोरी कर ली गई हैं और वो इस पर्टिकुलर विद्यालय में है, विश्वविद्यालय में है। इस इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर रामपुर की के जिला प्रशासन और उनकी टीम ने उसमें वहां जो जौहर विश्वविद्यालय में जब ये रेट डाली है तो वहां पर लगभग 400-500 भी संख्या फाइनल नहीं, लेकिन काफी संख्या में उस मदरसे की मोहर लगी हुई पुस्तकें वहां से बरामद की। पार्टी ने उस समय भी एक्शन लिया था और वो जेल गए और आज भी वो जेल में है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि विपक्ष के लोग जो इतनी इस दुखद घटना पर राजनीति कर रहे हैं, अभी कुछ वीडियो और फोटोज व्हाट्सएप पे वायरल हो रही है। समाजवादी पार्टी के लोग टोपी लगा के हंसते हुए फोटो खिंचा रहे हैं और धरना प्रदर्शन का नाम दे रहे हैं। और पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पंकज, इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर ताजा अपडेट दीजिए। देखिए, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से सीबीआई जांच के लिए सिफारिश की थी और केंद्र सरकार ने कल सीबीआई को केस हैंडओवर कर दिया था। आज सीबीआई दिल्ली मुख्यालय ले लखनऊ यूनिट को बकायदा केस ट्रांसफर कर दिया है और लखनऊ यूनिट के क्राइम ब्रांच ने कुलदीप सिंह सेंगर सहित 10 लोगों पर नामजद एफआईआर किया है, जबकि 15 से 20 लोग जो हैं उनको अज्ञात में डाला गया है, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 302 के अलावा 120 बी की धारा लगाई गई है। कुल मिलाकर के कुलदीप सिंह सेंगर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। लगातार इस मामले पे विपक्ष यहाँ सरकार को घेरने का काम कर रहे थे, सीबीआई जांच की मांग कर रही थी और सरकार ने सीबीआई जांच के लिए तैयार हो गई। उसके बाद आज सीबीआई ने सुबह दिल्ली हेड ऑफिस के निर्देश पे लखनऊ की जो यूनिट है सीबीआई ने उसने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और केस जो राज्य सरकार अभी तक एसआईटी का गठन कल किया था, जिसमें एडिशनल एसपी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, उससे जांच की बात की गई थी, लेकिन अब सीबीआई ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। अब इस दुर्घटना की सीबीआई जांच जो है
जो जांच करेगी वो सीबीआई शुरू कर देगी, क्योंकि अब मुकदमा पंजीकृत हो गया है। तो यानी जो राज्य सरकार की जो एजेंसियां थी, पुलिस विभाग की, एसआईटी, अब उनसे जांच के जो सारे कागजात हैं, सारे साक्ष्य हैं, सीबीआई अपने पास हैंडओवर कर लेगी। संबंधित पुलिस और उसके अलावा रायबरेली पुलिस को भी सीबीआई जल्द ही इस संबंध में बातचीत करके जो सारे साक्ष्य हैं वो सीबीआई अपने पास लेगी। जी पंकज, फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच चल रही है, क्या कुछ कहा जा सकता है कि अब सीबीआई पूरी जांच करेगी इस मामले की, तो किस तरीके से खंगाले जाएंगे पूरे चीज़ें और कहां कहां कार्रवाई की जाएगी, किन किन लोगों से पूछताछ की जाएगी, पूरे मामले को किस तरीके से देखा जाएगा? देखिए, जो 10 लोग नामजद हैं, इसके अलावा सीबीआई ने 15 से 20 लोगों को अज्ञात नाम जो है वो दर्ज किया, उनके ऊपर एफआईआर पंजीकृत हुई है। जो जिन लोगों का नाम है उनमें विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जो जेल में हैं, मनोज सिंह सेंगर उनके भाई हैं, विनोद मिश्रा, हरिराम सिंह, नवीन सिंह, कोमल सिंह, अरुण सिंह जो प्रदेश सरकार के मंत्री के बहुत करीबी रिश्तेदार बताए जाते हैं, मानवेंद्र सिंह, रिंकू सिंह, एडवोकेट अवधेश सिंह के अलावा करीब 15 से 20 लोग जो हैं अज्ञात, उन सबसे पूछताछ होगी। सीबीआई पुलिस उन सुरक्षा गार्डों से सीबीआई पूछताछ कर सकती है जो उस दिन सुरक्षा कर्मी में लगे हुए थे, लेकिन रेप पीड़िता के साथ रायबरेली जब जा रही थी तब नहीं गए थे। हालांकि पुलिस की तरफ से यही कहा जा रहा है, चूँकि रेप पीड़िता का जो परिवार था वो उसने ले जाने से मना कर दिया था, लेकिन रेप पीड़िता के चाचा हैं जो एफआईआर पंजीकृत कराया था, जिसमें इस बात का जिक्र किया था कि जो सुरक्षा में तैनात हैं मेरे साथ जो पुलिसकर्मी गार्ड हैं वो विधायक को लगातार मेरी लोकेशन देते रहते थे। इसके अलावा का जो ट्रक था जिससे एक्सीडेंट हुआ था उसमें कलिक पुती हुई थी, उसकी भी सीबीआई गहनता से जांच करेगी। कुल मिलाकर के कुलदीप सेंगर की एक तरफ जहां रेप कांड के केस की जांच हो रही थी, तो दूसरी तरफ जो दुर्घटना जिसमें दो लोगों की मौत हो गई है, उसके अलावा वकील और रेप पीड़िता जो है जिंदगी और मौत के बीच के जीवनों में जंग लड़ रहे हैं, इस पूरे मामले की अब सीबीआई जांच होगी। चूंकि मामला काफी हाई प्रोफाइल है, बीजेपी विधायक से जुड़ा हुआ है, हालांकि कल बीजेपी ने विधायक से अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि उनका निलंबन पहले हो चुका है और निलंबन जारी रहेगा, जब कई सारी पार्टियां के अलावा दिल्ली महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं स्वाति मालवाल, उन्होंने भी इस मामले की मांग की थी कि जो विधायक हैं उनको पार्टी से निष्कासित किया जाए, लेकिन पार्टी से अब तक निष्कासित नहीं किया गया है। बात यह प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से आई कि उनका निलंबन पहले हो चुका था, वो निलंबन जारी रहेगा। फिलहाल जो रेप पीड़िता की चाची है उसके अंतिम संस्कार के लिए रायबरेली ले जाया गया है, जो उनके पति थे उनको पैरोल पे दे दिया गया, थोड़ी देर के बाद पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कई सारे जिलों की फोर्स बुला ली गई, कोई ऐसी स्थिति ना हो जिससे फिर से एक बार उन्नाव में कोई स्थिति बिगड़े, क्योंकि चाचा को उनकी पैरोल मिली है और करीब 12 घंटे की पैरोल मिली, उसके बाद देर रात उनको फिर से जेल जाना होगा। और यहाँ पीड़िता की अभी भी हालत काफ़ी क्रिटिकल है, दोनों जो वकील हैं और पीड़िता, उन दोनों का ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है, जो स्थिति थी वो लगातार उसी में यथावत बनी हुई है, क्रिटिकल है, अभी तक कोई हालात में सुधार नहीं हुआ, केजीएमयू ट्रामा सेंटर की तरफ से जो बयान जारी किए गए हैं। जी चलिए पंकज, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई करेगी और साथ ही साथ इस पूरे मामले को दोबारा से खंगाला जाएगा कि आखिर कैसे ये पूरा हादसा हुआ है।